जब सब कुछ बंद था, कारखाने, उद्योग, फैक्ट्रियां, ऑफिसेस, सब चीजें बंद थी, अगर कोई काम कर रहा था जमीन पे तो हमारा किसान काम कर रहा था, उसी ने अर्थव्यवस्था बचाई। और बीजेपी के लोग क्या सपना दिखा रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यूपी में तो नहीं हुई, क्या महाराष्ट्र में आय दोगुनी होगी? आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन हमने विधायक दोगुनी करने के चक्कर में बीजेपी प्रयास कर। समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र ये मजबूत हो, हम ये चाहते हैं। जो लोग घबराए हुए हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं। यूसीसी का मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता फैसला लेगी और जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उनकी धज्जियां उड़ाने, उनके खिलाफ मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। ये पीडीएस समझ नहीं पाया, ये पीडीए की आबादी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। और फिर आपको सोचना ये चाहिए, एक टमाटर को लेकर के अगर किसी ने आवाज उठा दी, उसे थाने में बंद कर दिया। ये पीडीए भी यहाँ पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कब का सपना था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ लोहिया जी भी काम करना चाहते, कितना बड़ा सपना था कि ये वर्ग एक साथ आए और राजनीतिक हिस्सेदारी कभी नहीं की। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में प्रयास हमारा जारी रहेगा और मुकाबला किया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ताकतें मिलती हैं तो कई बार कुछ ऐसे फैसलों के खिलाफ निर्णय घूमने की निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से, तोड़ने से ताकत बढ़ जाए, कभी कभी ताकत कम भी होती है। जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी की क्या रणनीति है कभी कभी समझ में किसी को नहीं आता। बीजेपी इसी तरह काम करती है, लोगों को, समाज को बंटवारा करती है, बांट कर उनका हिस्सा छीन है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती है, बांट करती है। ये सवाल जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन इस सवाल के जवाब ये है कि जितने भी रीजनल लीडर्स वो अपने अपने रेस में इतने ताकतवर हैं कि बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। जो जहां रीजनल लीडर्स या रीजनल पार्टी सरकार में भी हैं, वो कम से कम इतने ताकतवर हैं कि बीजेपी उनके सामने घुटने टेक जाए। बंगाल का उदाहरण, बिहार का उदाहरण, आपका दक्षिण भारत के कई प्रदेशों का उदाहरण, और उत्तर प्रदेश में अगर बेईमानी न की होती भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती है। विधानसभा का चुनाव भी देखा होगा, जिला पंचायत का चुनाव भी देखा होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी देखा होगा। कई ऐसी बेईमानियां हैं जो आपके टीवी पे चली, कि आपका प्रत्याशी जा रहा है नॉमिनेशन करने, नॉमिनेशन पर्चा छीन लिया। एक महिला नॉमिनेशन के लिए जा रही थी, उसकी साड़ी छीन ली, साड़ी फाड़। क्या बीजेपी का यही चरित्र है कि अगर महिला
नॉमिनेशन करने जा रही है तो उसके कपड़े फाड़ देंगे आप। एमएससी के चुनाव में आपने नॉमिनेशन नहीं करने दिया, पुलिस लगा ली। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज देने वाले, दुनिया में कहीं भी ऐसा होता होगा, और मैं समझता हूँ मुंबई में भी नहीं होता होगा। सोचो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हो रहा हो, अगर टमाटर के सवाल पर कोई आंदोलन करे तो उसे जेल भेज देंगे, क्योंकि टमाटर सस्ता कैसे है उसका जवाब ही नहीं उनके पास। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय करेंगे। क्या बोला था आप ही नहीं जानते, हमारे पास बहुत चॉइस है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं। अगर बीजेपी पे चॉइस हो तो बताओ, बीजेपी का अगर चॉइस हो तो मुझे उम्मीद है कि पत्रकार साथी के सब सवाल पूछ लिया होगा। धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई से इतनी दूर आए, वहाँ भी हमें आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप।